व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं वीवो V20 प्रो और वन प्लस नॉर्ड के बारे में। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये फ़ोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और इस फ़ोन के कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशंस, लॉन्च प्राइस, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आप जाके ज़रूर से चेक कर लेना। और वीवो V20 के ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग रिव्यू डाला है और उसके बाद में मैंने एक सेपरेट कैमरा रिव्यू डाला है, वो दोनों भी वीडियो मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, वो चेक कर लेना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये जितने भी फीचर्स है इसका कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सही में जो भी फीचर्स आपको V20 प्रो में मिलते हैं वो वन प्लस नॉट किलर है भी या नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले कंपैरिजन करूँगा मैं इन दोनों के डिज़ाइन को लेके। तो वीवो V20 प्रो का अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो आपको जो कैमरा मॉडल मिलता है वो रेक्टेंगल शेप में मिलता है, जिसमें बीच में आपको ट्रिपल कैमरा सिचुएटेड है। अब ये जो कैमरा मॉडल है दोस्तों, ये काफ़ी टाइम के बाद में मुझे एक यूनिक कैमरा मॉडल लगा है। वहीं पर गाइस, अगर मैं बात करूँगा वन प्लस नॉर्ड के कैमरा मॉडल के बारे में, तो उसमें आपको पीछे जो है ना वो क्वाड सेटअप मिलता है और वो एक स्टैंडर्ड मॉडल में आपको मिलता है, कुछ इतना खास मॉडल आपको नहीं मिलता है। वहीं पर गाइस, अगर डिज़ाइन के बारे में बात करूंगा तो दोनों ही फोन्स में आपको ग्लास पैक डिजाइन मिलता है, लेकिन V20 प्रो में आपको थोड़ा शाइनी डिजाइन मिलेगा। वहीं पर जो वन प्लस है उसमें आपको शाइनी डिजाइन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा। यहां पर गाइस, फ्रंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पर वन प्लस नॉर्ड जो है ना दोस्तों, वो जीत जाता है, क्योंकि वन प्लस नॉर्ड में आपको टॉप लेफ्ट में पंच होल कैमरा देखने के लिए मिलता है, डुअल सेल्फी है दोनों ही फोन्स में। वहीं पर गाइज, V20 प्रो में आपको फ्रंट में जो है ना वो डुअल सेल्फी मिलता है, लेकिन वो ड्रॉप नॉच के डिज़ाइन में मिलता है। तो गाइज, अगर बैक डिज़ाइन के हिसाब से बात करूंगा तो मुझे V20 मस्त लगता है, और अगर मैं फ्रंट डिज़ाइन के हिसाब से बात करूंगा तो मुझे वन प्लस नॉर्ड मस्त लगता है। वैसे कैसे, अगर V20 प्रो में अगर फ्रंट में पंच होल डिज़ाइन में कैमरा मिल जाता तो और भी ज़बरदस्त बात हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर गाइज, फिर भी ऑल इन ऑल अगर मैं जिसको भी वोट दूंगा तो वो है V20 प्रो। एज अ होल अगर मैं आपको बोलूंगा ना, तो मुझे V20 प्रो का डिजाइन जो है ना वो बहुत अच्छा लगा है। ये तो हो गई गाइस डिजाइन की बात, अब मैं आपसे बात करूंगा डिस्प्ले फीचर्स को लेकर। तो यहां पर डिस्प्ले फीचर्स के हिसाब से V20 प्रो में आपको 6.44 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, HDR10 कैपेबिलिटीज के साथ में। वहीं पर गाइस, अगर नॉर्ड के डिस्प्ले के बारे में मैं आपसे बात करूं तो ये भी जो है ना आपको 6.44 इंच का डिस्प्ले मिलता है, इसमें भी आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, इसमें आपको फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, साथ ही में इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और HDR10 प्लस जो है ना साथ में आपको मिलता है। अब यहाँ पर गाइस, आप बोलोगे फ्लूइड डिस्प्ले, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, एमुलेट डिस्प्ले और फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आप लॉजिकली सामने देखोगे तो आपको जो है ना वो एक ही लगेगा, दोनों इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। एक्सपीरियंस जो है ना दोस्तों, ऑब्वियसली कुछ अलग नहीं होगा दोनों डिस्प्ले को यूज़ करने का, लेकिन वहीं पर गाइस नॉर्ड जो है ना वो एक स्टेप आगे चला जाता है, क्योंकि नॉर्ड में जो है ना आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, वहीं पर V20 प्रो में आपको जो स्टैंडर्ड 60Hz का रिफ्रेश रेट है वही मिलेगा। लेकिन गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि V20 प्रो के डिस्प्ले में आपको HDR10 की कैपेबिलिटी मिलती है, तो ये क्या होता है कि कंपनसेट कर देता है, तो इसलिए जो है ना आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और इतना ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर मैं बहुत पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ऑब्वियसली अच्छा ही फील आएगा, आपको अच्छा ही एक्सपीरियंस आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर मिलता है, 7nm प्रोसेसर, विच मीन्स कि दोनों ही फोन्स आपको 5G सपोर्ट के साथ में मिलेगा। और ये जो प्रोसेसर है दोस्तों, आपको दोनों ही फोन्स में 1x2.4GHz की क्लॉक स्पीड पर काम करेगा। साथ ही में गाइस, इसमें 620 का GPU मिलेगा दोनों ही फोन्स में, मतलब हार्डवेयर के हिसाब से तो गाइस एकदम डिट्टो है। अगर कहीं फर्क आता है तो वो आता है दोस्तों मेमोरी में, क्योंकि V20 जो है ना दोस्तों, आपको एक ही वेरिएंट में मिलता है 8GB रैम और एक ही इंटरनल स्टोरेज में मिलता है 128GB का, और इसमें आपको कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलता है अपनी मेमोरी को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन वहीं पर गाइस, अगर आप नॉर्ड लेने जाओगे तो उसमें आपको रैम में भी जो है ना वो तीन वेरिएंट मिलते हैं, 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम, और इसमें आपको तीन वेरिएंट ही मेरे ख्याल से, हाँ इसमें आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं इंटरनल स्टोरेज में भी, आपको 64GB का एक तो वेरिएंट मिलता है, 256GB का वेरिएंट मिलता है और 128GB का इसमें आपको वेरिएंट मिलता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जब आप ऑब्वियसली थोड़ा हायर रैम या हायर इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट लोगे तो वहाँ पर आपको पैसा भी जो ना थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग जो ना दोस्तों बेस वेरिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ वो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ। तो
यहाँ पर गाइज अगर मैं आपसे बात करूँगा हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ को लेके भी, तो हार्डवेयर के हिसाब से भी दोस्तों दोनों फ़ोन सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, मतलब एक पैसे का भी जो होता है दोस्तों दोनों में फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपसे बात करूँगा दोनों के कैमरा कंपैरिजन को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बात है ना, ये जो टॉपिक है, ये बताने वाला टॉपिक है, क्योंकि दोनों फ़ोन्स के कैमरा जो है ना वो बहुत टक्कर वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेटअप के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो V20 Pro में आपको रेडमी ट्रिपल सेटअप देखने के मिलता है विद फ्लैश, और साथ ही में अगर बात करूंगा नॉट के बारे में तो उसमें आपको क्वाड सेटअप देखने के लिए मिलता है विद फ्लैश। अब यहां पर गाइस सेटअप के हिसाब से तो ऑब्वियसली नॉट विन कर रहा है, लेकिन सेटअप होने के साथ साथ जो आपको लेंसेज मिलते हैं उसके फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं फिर इसी के बारे में। अब यहां पर गाइस अगर मैं आपसे बात करूंगा प्राइमरी लेंस के बारे में, तो V20 Pro में आपको प्राइमरी लेंस मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 26mm वाइड और 1.9F एपर्चर में आपको मिलता है। वहीं पर बात करूंगा नॉर्ड के बारे में, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है 1.8 एपेचर के साथ में, और ये भी 26mm वाइड है। तो दोनों लेंस में कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है गाइज वो है मेगापिक्सल का, क्योंकि V20 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल मिलता है, नॉर्ड में आपको 48 मेगापिक्सल मिलता है। अब इमेज जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर दोस्तों क्वालिटी कैसी निकल के आएगी, पिक्सल्स उसके फटेंगे कि नहीं फटेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा दोस्तों पिक्सल्स रहेंगे ना तो उतनी अच्छी जो है ना उसमें आपको पिक्सल्स क्वालिटी मिलेगी। बात करूंगा दोस्तों सेकेंडरी लेंस के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने के मिलता है, जिसमें आपको Vivo V20 Pro में 2.2F एपिचर मिलेगा 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ में। वहीं पर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा नॉर्ड के लिए, तो इसमें आपको 2.3F एपिचर मिलता है 119 फील्ड ऑफ व्यू डिग्री के साथ में। अब ये जो ना दोस्तों लेंस दोनों ही फोन्स में बराबर है, तो इसके हिसाब से आप पकड़ सकते हो कि दोनों ही फोन्स में जो अल्ट्रा वाइड सैंपल है वो आपको सेम निकल के आएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ मेजर फर्क नहीं है इन दोनों लेंस में। फाइनली गाइस बात करूंगा थर्ड लेंस के बारे में, तो यहां पर V20 Pro में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है F2.4 एपर्चर के साथ में, लेकिन नॉर्ड में दोस्तों आपको जो डेप्थ सेंसर मिलेगा वो 5 मेगापिक्सल का रहेगा सेम एपर्चर के साथ में 2.4, और नॉर्ड में आपको एक लेंस एक्स्ट्रा मिलता है जो कि मैक्रो लेंस है 2 मेगापिक्सल का। लेकिन यहां पर गाइस एक चीज नोटिस करने वाली है, Vivo V20 Pro में आपको भले ही एक अलग से मैक्रो लेंस नहीं मिलता है, लेकिन जो दूसरे लेंस आपको मिल रहे हैं उसमें ही जो मैक्रो लेंस है वो इंटीग्रेटेड है। तो गाइस अगर आप फोन के अंदर सेटिंग्स में जाओगे कैमरे की सेटिंग्स में, तो वहां पर आपको मिलेगा मैक्रो लेंस, मतलब सुपर मैक्रो लेंस, तो जिससे आप सुपर मैक्रो शॉट्स ले सकते हो। तो यहां पर गाइस देखिए कैमरे के हिसाब से मैं थम्स अप दूंगा V20 Pro को। साथ में दोस्तों बात करूंगा सेल्फी के बारे में, तो यहां पर गाइज अगर Vivo की बात हो रही है और 20 सीरीज की बात हो रही है, तो भाई सेल्फी तो बनता ही है। तो गाइज Vivo V20 Pro में आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी लेंस मिलता है, ये तो प्राइमरी लेंस हो जाता है। जो सेकेंडरी लेंस आपको मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। अब ये जो 44 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, इसकी क्वालिटी ऑब्वियसली एकदम अमेजिंग है ही। अगर आपको नहीं मालूम है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि Vivo V20 का मैंने फुल कैमरा रिव्यू डाला था, आप वो ज़रूर से जाके चेक करो यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही फोन्स में आपको सेम कैमरा ही मिलता है। लेकिन इसमें दोस्तों आपको एक फीचर भी मिलता है, वो है ऑटो आई फोकस। दोस्तों ये एकदम ज़बरदस्त फीचर है, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए मेरा वीडियो ज़रूर से देखना। यहीं पर दोस्तों अगर नॉर्ड के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, तो इसमें आपको प्राइमरी लेंस मिलता है 32 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता है, जो नॉर्मल है लेंस वही लेंस आपको मिलेगा। साथ ही में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। तो गाइस ये तो हुआ पूरा इसका कैमरे का फीचर, और Vivo V20 Pro अगर आपके पास में रहेगा तो आप कैमरे से जो है ना वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि गाइस जब एक बार आप Vivo V20 सीरीज के फोन्स को यूज करोगे, तो उसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको दोस्तों अल्ट्रा स्टेबिलिटी मोड मिलता है, आपको सुपर मैक्रो लेंस मिलता है, आपको सुपर वाइड एंगल मिलता है, आपको साथ ही में फ्रंट में आई ऑटो फोकस मिलता है। तो ये सारे जो फीचर्स है ना गाइज एकदम जबरदस्त फीचर्स है, एकदम टाइम पास फीचर्स अगर आपके पास में ये फोन है तो। वहीं पर गाइज ये जो मेन फीचर्स है ये आपको नॉर्ड में नहीं मिलेंगे, इसकी वजह से गाइज कैमरे के हिसाब से तो मैं यही बोलूंगा Vivo V20 Pro इज बेस्ट। फाइनली गाइज अब मैं आपसे बात करता हूं बैटरी कंपैरिजन को लेके, तो Vivo V20 Pro में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको आप 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो। वहीं पर गाइस अगर आप नॉर्ड लोगे तो उसमें आपको 4110 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको आप 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो। अब यहां पर गाइस आपको 110 mAh जो है ना वो एक्स्ट्रा मिलता है नॉर्ड में, लेकिन गाइस मेरे हिसाब से दोनों ही बैटरी डिसेंट है, क्योंकि दोनों ही बैटरी में इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, और ऑब्वियसली जो चार्जिंग परफॉर्मेंस है उसमें भी इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। यहां
पर देखिए गाइज, मैंने बात करी इन दोनों फोन्स के काफी सारे फीचर्स को लेके, मेन फीचर्स को लेके, और काफी सारी डिटेल जो ना दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूँ प्राइस कंपैरिजन को लेके। अब ये तो बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, क्योंकि जब इतने सारे फीचर्स की बात हो ही गई है तो अब प्राइस भी तो पता लगे ना कि भाई दोनों में क्या क्या प्राइस आपको मिलता है। यहां पर गाइज वीवो V20 Pro की न्यूज निकल के आई है कि ये जो है ना वो 30,000 के अंदर मिलेगा। अंदर भी कितना, एक रुपया कम में मिलेगा, 29,999 में मिलेगा। और इसमें ऑब्वियसली एक ही वेरिएंट है, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। वहीं पर गाइस अगर आप नॉर्ड लेने जाओगे तो यही सेम वेरिएंट 8GB रैम और 128GB वाला स्टोरेज आपको 27,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये ऑनलाइन अमेजोन पे अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके परचेज कर लेना। तो यहां पर देखिए नॉर्ड जो है ना दोस्तों, तो तकरीबन 2-3 हज़ार सस्ता मिल जाएगा वीवो V20 Pro से। अब यहां पर जो मेजर डिफरेंस आता है ना गाइस, अगर डिज़ाइन को भी आप साइड में रख दो, हार्डवेयर को भी साइड में रख दो, जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है इसके कैमरे का। नॉर्ड में आपको भले ही दोस्तों क्वाड सेटअप देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो कैमरा क्वालिटी आपको प्रॉपर मिलती है वो आपको वीवो V20 Pro में मिलती है। मैक्रो लेंस आपको भले ही वीवो V20 Pro में नहीं मिल रहा है, लेकिन वीवो V20 Pro में आपको इंटीग्रेटेड जो है ना वो मैक्रो लेंस मिलता है, जो कि बहुत सुपर्ब शॉट्स जो है ना वो देता है जब आप इमेजेस को क्लिक करते हो। तो गाइज यहां पर अब कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है गाइज, अगर आप हार्डवेयर के हिसाब से फोन परचेज करने की कोशिश कर रहे हो तो हार्डवेयर के हिसाब से तो दोनों ही फोन बेस्ट है गाइज, लेकिन अगर आप हार्डवेयर प्लस कैमरा दोनों ही चीज अगर आपको अपने फोन में अच्छी लगती है तो उसके लिए आप वीवो V20 Pro का फोन परचेज कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से आपको बोलता हूँ गाइज, अगर आपको कैमरे से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा वीडियो जरूर से देखना, आई बटन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइज, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बताई, मैंने अपना ओपिनियन भी आपको दिया। वैसे आपका क्या कहना है इन दोनों फोन्स के बारे में, आपको लगता है कि वीवो V20 Pro जो है वो OnePlus Nord किलर है, तो आप अपने कमेंट्स कॉलम में ज़रूर से बताना। साथ में गाइज अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट्स कॉलम में पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। और गाइज हमारे एफर्ट्स को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हम बहुत मेहनत करते गाइस ट्रस्ट में ऐसे सब वीडियोस बनाने में, एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, और उसके हिसाब से हमें व्यूज़ जो ना दोस्तों इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो दोस्तों हम मतलब मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे को अच्छे व्यूज़ आए, अच्छा कंटेंट डालूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो इसलिए गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कभी वो नीचे रेड बटन को प्रेस कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए, और उसके बाद में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।